महाभारत में जब चित्ररथ गंधर्व के मुख से अर्जुन ने तप्ती नंदन संबोधन सुना तो अर्जुन ने कहा, हे गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने हमें तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हमें तप्ती नंदन कह रहे हो? तब गंधर्वराज ने कहा, हे अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती, वह भी इनके जैसी ही ज्योतिषमती थी। वह सावित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी की भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करे। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पुरुवंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते, नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य है, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराइयों और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया, वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए, वे सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्होंने यह निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ नहीं बोली। वह बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की, अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेत हो गए। राजा संवरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। उसकी बोली सुनकर संवरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझ पर दया करो और मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित हैं, मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से कहिए, इस परतंत्र शरीर से मैं आपके पास नहीं रह सकती। आप जैसे कुलीन, भक्तवत्सल और विश्व विश्रुत राजा को पति रूप से स्वीकार करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि के अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवन, मैं राजा संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नैतिकता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वह आपकी कन्या के योग्य पति हैं। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा संवरण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं पर रहे।
राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक भी न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे को लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तपती संवरण को राजधानी में ले आए। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे, पैदावार शुरू हो गई। राज दंपत्ति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। अर्जुन, यही सूर्य कन्या तपती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तपती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। इसी कारण मैंने आपको तपती नंदन कहा है। मित्रों, महाभारत की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।